स्वामी जी, एक ऐसे यंत्र की बात कर लेते हैं जिससे हर कोई परेशान है, लेकिन अगर इस यंत्र को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो गेम चेंजर है, और वो है मोबाइल स्क्रीन। स्वामी जी, स्क्रीन टाइम क्योंकि बढ़ गया है और इस बढ़े हुए स्क्रीन टाइम का असर भी बच्चों के वजन पर पड़ रहा है, जैसा कि आपने भी कहा कार्यक्रम में, इस बात का कई बार जिक्र हुआ है कि खेलकूद में कमी का सबसे बड़ा कारण है मोबाइल और वो स्क्रीन जिस पर बच्चे चिपके रहते हैं, और इसकी वजह से वो मोटापे के शिकार हो जाते हैं। और बच्चों में ओबेसिटी के मामलों में भारत और चीन, भारत की बात की जाए तो चीन के बाद दूसरे नंबर पर है, तो बच्चों का मोटापा घटाने के लिए भी एक पूरा योगाभ्यास का पैकेज करवा दीजिए। और इसमें एक तुलनात्मक बात स्वामी जी जोड़ता हूं, पहले नंबर पर है अमेरिका के तो बच्चे ऐसे पहलवान ओबीज हैं। अच्छा स्वामी जी देखिए, बचपन में जब लाइट जाती थी ना, हम लोग वेट करते थे कि बचपन में लाइट जाए तो थोड़ा सा पढ़ाई से थोड़ी देर के लिए छुट्टी मिलेगी और आइस पाइस खेलने का मौका मिल जाएगा। आजकल लाइट जाती है तो बच्चे एक तरह से परेशान हो जाते हैं कि कब लाइट आए, फिर से वो अपने गैजेट से दोबारा जुड़ पाएंगे, तो ये बहुत बड़ा फर्क आया समय का। कल ही हुसैन सिखाया था ना, आई स्पाई यू, आई स्पाइस कहते थे, उसका सही नाम मीनाक्षी ने कल बताया, आई स्पाई यू, छुपन छुपाई। तो देखो बच्चों को, एक तो लौकी के जूस में ना, अकेला लौकी का जूस पीते हैं, उसमें थोड़ा आंवला वगैरह मिला दें, थोड़ा उसमें अनार मिला दें, थोड़ा एप्पल मिला दें, अनानास मिला दें। कल एक बच्चा आयुष मेरे पास, मैंने कहा बेटा क्या पिएगा, तो पाइन एप्पल पियूँगा, पाइन एप्पल थोड़ा अनार, थोड़ा सेब, ऐसे मिला करके, और जिनको कब्ज रहता, बच्चों को किसी को कब्ज भी बहुत ज़्यादा रहता, उनको थोड़ा सा नाशपाती, और बच्चों को भी दौड़ाएँ, और इस घोड़े वाले को भी दौड़ाओ, ये खड़ा ही है, दौड़ाए इसको, हाँ ये हमारा जो घोड़ा है ये भी अच्छे से दौड़ता है, दौड़ाओ इसको, हाँ अब देखो, अरे सफेद तो बड़ा गोरा गोरा है स्वामी जी, बादल लग रहा है, दौड़ा दौड़ा आनंद ऐसे, हाँ ऐसे, तो बच्चों को दौड़ाया करें तो मोटे नहीं रहेंगे, बच्चों को तैराया करें, फिर ये अर्धनासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन किया करें, आप वाली क्रीम का पूरा फायदा घोड़े ने उठाया लग रहा है स्वामी जी, वेजिटेबल्स ज्यादा, हेलो मेरा लगाया है क्या, हाँ ये बात तो है, ये घोड़ा भी छा गया, इसका नाम बादल है, तो बादल भी छाए हुए आसमान में, और इधर हमारा बादल भी छाया हुआ है स्क्रीन के ऊपर। ऐसे ही जिंदगी में बच्चे छाए रहेंगे पूरी दुनिया में, जो योग करेंगे, कर्मयोग करेंगे, गैजेट्स के बजाय, मोबाइल के बजाय, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब में घुस गए बताओ, उसमें निकालना पड़ेगा बच्चों को, यूट्यूब से बाहर निकाल करके उनको मैदान जंग में, पार्क में लाना पड़ेगा। और अच्छा स्वामी जी, जरा आपकी इजाजत के साथ जरा एक दर्शकों को अपडेट दे देते हैं के लिए, एक सही अभ्यास करें। अब बारिश भले ही गर्मी से राहत देती है, अब्र रहमत कहलाती है, लेकिन कई बार मुसीबत बन जाती है, और इस वक्त बारिश देश के काफी हिस्सों के लिए मुसीबत बन चुकी है। आज सुबह ही दिल्ली NCR में सुबह से तेज बारिश हो रही है, दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर जाने की खबरें हैं, सड़कों पर पानी भर चुका है, ट्रैफिक का पर बुरा इसका असर पड़ रहा है, निचले इलाकों में पानी भरने लगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक के लिए दिल्ली NCR में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया, मतलब साफ ये है कि अगले कुछ दिन दिल्ली वालों की थोड़ी परेशानी बढ़ेगी, हालांकि राहत भी मिलेगी, लेकिन दिल्ली में मुश्किल ये है स्वामी जी कि बारिश हुई नहीं कि हर तरफ जाम ही जाम, दिल्ली बिल्कुल जाम हो जाती है। तो देखो भाई, एक तो बारिश में ये जो चारों तरफ जल भरा होता है, बच्चों को सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड, डायरिया और टाइफाइड भी हो रहा है, हमको तो इसलिए पता लग जाता है, हमारे पास भी आचार्य कुलम पतंजलि गुरुकुलम यूनिवर्सिटी में बहुत बच्चे रहते हैं, 5,000 से ज़्यादा बच्चे तो यही रहते हैं, और फिर अलग अलग जगह जो हम भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से शिक्षा का प्रकट चला रहे, तो लाखों करोड़ों बच्चे हमारे साथ जुड़े, तो मैं तो सबसे कहता हूँ भाई देखो, अपने बच्चों को जब मौसम बदले तो इम्यूनोग्रिड एक जरूर दे दो, जिनके फेफड़े कमज़ोर हैं उनको सासरी या ब्रोंको, और जिनको बार बार बुखार आता है ना उनको महासुदर्शन घनवटी, हाँ पहले तो नीम की कोपली खिला दिया करते थे बरसात के पहले ही, जैसी पतझड़ के बाद वसंत आता था तो नीम की कोपली खिला देते थे, साल भर बुखार नहीं होता था। हमें कहते भाई नीम के साथ थोड़ा नीम की गोली गोला सा बना देते हम भी,
पानी के साथ घटक जाते हैं, और एक गिलोई और ले लो, नीम पर चढ़ी भी गिलोई, नीम गिलोई ले लो तो फिर तो कोई बात ही नहीं। तो गिलोई घनवटी इम्यूनोग्रीट अपने बच्चों को जरूर खिलाइए, सर्दी जुकाम बुखार टाइफाइड और तमाम तरह के। हाँ, इम्यूनिटी अच्छी होती है ना तो सामान्य मच्छर भी काट जाते हैं, तो मच्छर जी आज आप लग रहा है स्क्रीन हमारी नहीं देख रहे हैं, तो बच्चों को एक से एक फॉर्मेशन यहाँ हो रहे हैं स्वामी जी, तो जरा आप तालियां बजा देंगे तो इन बच्चों का हौसला बढ़ेगा। जोरदार तालियां हो जाए भाई। बहुत जबरदस्त भाई, ध्यान समाधि में लग गया था, पता लगा इस दुनिया में तो परम सौंदर्य इंडिया टीवी में उभर करके आ रहा है, योग का परम सौंदर्य, योग का परम ऐश्वर्य। इसीलिए तो मैं कहता हूँ भारत की शिक्षा पद्धति चिकित्सा, हालांकि यहाँ के बच्चे अभी आपके बच्चों के मुकाबले में पीछे हैं, संस्कृति लेकिन कोशिश में लगे हैं और अभी और आगे बढ़ेंगे। देखिए, आप हमें बच्चा मानते हैं, इसके लिए बहुत शुक्रिया, ये अच्छा उपलब्धि है हमारी। स्वामी जी, अब बारी है उस मिशन की जिसे हमने नाम दिया है एक पौधा सेहत के नाम। ये बड़ा जरूरी है। तो स्वामी जी, आज कौन सा पौधा लगाना आप सिखाने वाले हैं और उसकी क्या खास बातें हैं, उसके फायदे बताइए। प्रकृति संस्कृति से जुड़ेंगे तो देखो, कनेर का फूल कितना प्यारा प्यारा सा है, कनेर का फूल और कनेर की पत्तियाँ, इनको उबाल करके पीते हैं, ये हार्ट प्रॉब्लम में भी फायदा करती है, अस्थमा मलेरिया में भी बड़ा कारगर है। और इसके फूल और इसके पत्ते और फूल, अभी फूल तो तोड़ने का मन नहीं कर रहा, कहीं और आ जाएंगे तब तोड़ेंगे। पत्ते फूल ऐसे मुंह में चबाने से और दांत दर्द में भी फायदा मिलता है घर में ही, शुगर और मिर्गी की बीमारी में भी फायदा मिलता है। जैसे हम आंवला एलोवेरा चिरायता कुटकी गुड़मार विजय सार बहुत सारी चीज़ें बताते, उसी तरह से इसका भी काढ़ा बना करके सदाबहार के साथ साथ ले लेना और वो आपको फायदा करेगा। मिर्गी की बच्चों में भी बहुत तरह की प्रॉब्लम आ रही है, तो मिर्गी की प्रॉब्लम में भी तो ऐसे गमले में ही लगा ले, और जिनके पास में खुली ज़मीन है तो खुली ज़मीन पर भी इसको लगा सकते हैं। तो हार्ट अस्थमा मलेरिया दांत के दर्द और शुगर मिर्गी के रोग में विशेष फायदेमंद है यह अभ्यास, और जो सुप्त गर्भासन आदि कर लेंगे तो जैसे गर्भ में बच्चा सुरक्षित रहता तो बाहर भी प्रकृति के गर्भ में प्रकृति। स्वामी जी, इस कार्यक्रम के इस सेक्शन की खूबी ये है कि मुझे याद है कि मुगलसराय में ये पेड़, इस तरह के पौधे, कनेर का पौधा, गुड़हल का पौधा, सब आम इफरात थे हर तरफ, लेकिन लोगों को इनके फायदे नहीं पता थे, लेकिन इस सेगमेंट की वजह से लोग जान पा रहे हैं कि किस पौधे से क्या फायदा वो उठा सकते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा फायदा लोगों को मिल रहा है। स्वामी जी, अब अगले मिशन की बारी है और वो है फैक्ट चेक। स्वामी जी, सोशल मीडिया पर एक दावा यह किया जा रहा है कि कोल्ड ड्रिंक पीने से पाचन बेहतर होता है। बहुत सारे लोग कुछ ऑर्डर करते हैं उसके साथ कोल्ड ड्रिंक लेके बैठ जाते हैं, भाई खाया पिया पचाया। राम राम राम, बर्गर पिज्जा पराठे के साथ एक एक घोट लेते रहते हैं, डाइजेशन का भट्ठा बैठा देते हैं। पेट को चाहिए खाने के पहले थोड़ा सा एपेटाइजर के रूप में सूप पीना चाहिए। ये कोल्ड ड्रिंक तो सत्यानाश कर देता हमारे हाजमे का, ठंडी चीजें नहीं। हाँ, यदि किसी को डाइजेशन के लिए चाहिए तो जिनको बहुत ज़्यादा अर्थराइटिस अस्थमा नहीं है, क्योंकि अर्थराइटिस और बहुत ज़्यादा अस्थमा हो तो नींबू से बढ़ जाता है, खाने के बाद एक कप पानी नींबू डाल करके ले लें। जिनकी सामान्य प्रकृति है वो सामान्य पानी में, और जिनकी कप कोल्ड की प्रकृति है तो गर्म पानी में ले लें थोड़ा नींबू, उससे पेट जरूर हल्का हो जाता है। तो कोल्ड ड्रिंक छोड़ें, कोल्ड ड्रिंक को तो हमने नाम ही दिया ठंडा, मतलब टॉयलेट क्लीनर। नींबू पानी थोड़ा सा पी सकते हैं एक कप, और नींबू तो सर्दी जुकाम कफ कोल्ड से लेकर के बहुत प्रॉब्लम में फायदा करता है, इसलिए दाल और सब्जी में बरसात में जरूर नींबू डाल के, नींबू सस्ता भी होता है इसमें, गर्मियों में बड़ा महंगा हो जाता है, तो सर्दी में भी और गर्मी में भी बरसात में भी नींबू सब्जी में भी डाल करके थोड़ा ले सकते हैं। तो चलिए, ऐसे वायरल दावों के झूठ से हम आपको लगातार बचाते रहेंगे, इंडिया टीवी का आपसे ये वादा है।